वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों मैं आज आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, कैंसर से संबंधित टेस्ट के बारे में बात करूंगा, बायोप्सी टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट ऐसा होता है जो भी व्यक्ति कैंसर से सफ़र करता है उसको एक ना एक बार बायोप्सी टेस्ट ज़रूर करवाना पड़ता है। तो दोस्तों बायोप्सी टेस्ट होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं मांस के टुकड़े की जाँच बोलते हैं दोस्तों। तो बायोप्सी होता क्या है दोस्तों, बायोप्सी एक टेस्ट प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि रोगी के शरीर में से एक मांस का टुकड़ा निकाला जाता है तथा उस टुकड़े की जांच जो होती लैब में होती है। लैब में क्या किया जाता है, उसको स्लाइड्स बनाई जाती हैं तथा उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि इसके अंदर कैंसरस सेल्स हैं या नहीं है, मतलब इसके अंदर मैलिग्नेंसी प्रेजेंट है कि नहीं है दोस्तों। दोस्तों दूसरे और जो टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं वो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, बट बायोप्सी ही एक ऐसा टेस्ट होता है जो कन्फर्म करता है कि हाँ कैंसर है कि नहीं है दोस्तों। बायोप्सी क्यों की जाती है, तो बायोप्सी का करने का कारण ये होता है कि अगर आपके शरीर के अंदर या बाहर कोई गांठ है, कोई सूजन है, किसी तरीके की आपको दर्द महसूस होता है तो इसलिए किया जाता है बायोप्सी। बायोप्सी जो होता है, दूसरी और कारण होते हैं जैसे शरीर की त्वचा में कोई बदलाव होना या उसके साथ साथ में अगर आपके शरीर में कोई तेल या मस्सा है और आपको उसके अंदर बदलाव दिखाई देता है, उसके अंदर सूजन दिखाई देता है तो डॉक्टर उसमें के लिए आपको बायोप्सी टेस्ट लिख सकते हैं। बायोप्सी बहुत तरीके की होती है दोस्तों। पहली जो बायोप्सी होती है बोन मैरो बायोप्सी, इसका जो इस्तेमाल होता है ब्लड कैंसर के केसेस में होता है। इसमें क्या होता है कि बोन मैरो या रीढ़ की हड्डी में से एक सुई के जरिए जो होता है सेल्स निकाले जाते हैं तथा उनका एग्जामिन किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों इंडोस्कोपिक बायोप्सी। इंडोस्कोपिक बायोप्सी जनरली क्या होता है, लीवर कैंसर या पेट के कैंसर या जो होता है लंग कैंसर या जो शरीर के अंदर के कैंसर होते हैं उसके लिए इंडोस्कोपिक बायोप्सी करी जाती है। इसके लिए करवाने से पहले अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह भी करवाया जाता है देखने के लिए कि जो स्वेलिंग है उसका लेवल कितना है, साइज कितना है, उसके बाद ही इसकी बायोप्सी की जाती है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी जो होता है जनरली क्या होता है उन टिश्यूज़ में किया जाता है या उन गांठों में किया जाता है जो बाहर से दिखाई देती हैं, जैसे कि जो होता है ब्रेस्ट की कैंसर के केसेस में या लिम्फ नोड बायोप्सी के केसेस में या शरीर के ऊपरी भाग में अगर कहीं पर भी सूजन है तो उसके लिए नीडल बायोप्सी करवाई जाती है। नीडल बायोप्सी के भी दो तीन और फॉर्म होते हैं जैसे कोर बायोप्सी या एफएनएसी। एफएनएसी क्या होता है उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं दूसरा वीडियो एफएनएसी के ऊपर दोस्तों। चौथा होता है दोस्तों स्किन बायोप्सी। जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी स्किन में कोई बदलाव होता है उसके लिए स्किन बायोप्सी होती है। उसमें क्या करते हैं कि पंचिंग, मतलब चार पांच जगह पंच करके, मतलब छेद करके उसमें से सेल्स निकाली जाती हैं या हो सकता है कि उसके अंदर जो शेविंग, स्किन के ऊपर शेविंग करिए, उसके जो स्कैल्प होता है उसको निकाल के उसकी टेस्टिंग करी जाती है दोस्तों। पांचवा होता है दोस्तों सर्जिकल बायोप्सी। सर्जिकल बायोप्सी दोस्तों क्या होता है, कोई भी सर्जरी करी जाती है तो उसके बाद जो मांस का टुकड़ा होता है लैब में जांच के लिए भेजा जाता है कि जो निकाला गया टुकड़ा वो कैंसर है कि नहीं है दोस्तों। छठी होती है दोस्तों बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी क्या होता है, अगर किसी को हड्डी का कैंसर है या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है जैसे सार्कोमा के केसेस में या मल्टीपल मायलोमा के केसेस में, तो उस कंडीशन में बोन बायोप्सी करवाई जाती है। दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी का जो यूज़ होता है दोस्तों कैंसर मॉनिटरिंग के केसेस में ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है, क्योंकि बार बार बायोप्सी का सैंपल निकालना मरीज़ के शरीर में से पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पेनफुल होता है और इसमें से रिकवरी में समय लगता है, तो इस वजह से लिक्विड बायोप्सी है। लिक्विड बायोप्सी ब्लड से होती है बट इसका मैक्सिमम इस्तेमाल जो होता है वो मॉनिटरिंग के केसेस में होता है दोस्तों। बायोप्सी में कितना समय लग सकता है दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा, तो बायोप्सी डिपेंड करता है कि किस एरिया से सैंपल निकाला जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और जनरली देखा गया है कि बायोप्सी करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट से लेकर 1-2 घंटे तक लग सकते हैं मैक्सिमम। बायोप्सी पहले दोस्तों, क्योंकि क्या होता है बायोप्सी पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो उससे पहले क्या होता है कि लोकल एनास्थीसिया दिया जाता है। ये लोकल एनास्थीसिया देने का कारण ये होता है कि जो जिस एरिया से सैंपल निकाला जा रहा है उसको दर्द रहित किया जाए दोस्तों।
बायोप्सी के बाद दोस्तों क्या होता है कि बायोप्सी के बाद रिकवरी में डिपेंड करता है कि बायोप्सी कितने बड़े एरिया की बायोप्सी करी गई थी, कितने बड़े एरिया से सेल्स निकाले गए थे, और आपके डॉक्टर उसी हिसाब से आपको जो होता है एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं और आप क्या होता है अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों एक बार और एक क्वेश्चन आपका, जो अभी मैं पहले भी बताया कि बायोप्सी दर्दनाक होता है, तो बायोप्सी दर्दनाक होता है क्योंकि जब आपके शरीर में नीडल इंसर्ट करी जाती है तो उसमें क्या होता है दर्द होता है, बट उसको रोकने के लिए डॉक्टर पहले से ही जो होते हैं एनेस्थीसिया दे देते हैं जिससे आपको दर्द महसूस नहीं होता, बट उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया का जब समय ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको दर्द महसूस होगा, और बट ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय के लिए ही होता है, आप इजीली रिकम कर सकते हैं, आपका डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे उससे ये सूख जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बायोप्सी के लाभ क्या होते हैं? दोस्तों बायोप्सी ही एक ऐसा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कैंसर के लिए जो कन्फर्म करता है कि कैंसर है कि नहीं। दोस्तों बायोप्सी जैसा और कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विद दिस थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।